الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا على كل ضامر يأتين من كل فج عميق. وعن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: ما جزاء حج المبرور إلا الجنة. وقال عليه الصلاة والسلام: من حج البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. واجب الاحترام حضرات، سورة الحج سے آئے کریمہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات عالیہ میں سے دو حدیثیں کے سامنے تلاوت ہوں. ارشاد گرامی ہے: اور جب ہم نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے مہیا کی، تیار کی بیت اللہ کی جگہ، جہاں بیت اللہ تعمیر کرنا تھا وہ جگہ ان کو بتائی گئی، اور اس کے ساتھ ان سے کہا گیا: لا تشرک بی شیئا، کہ خلیل اللہ اللہ کے ساتھ کسی بھی چیز کو شریک نہ بنانا. اور دوسری بات یہ کہ میرے گھر کو پاک صاف رکھنا، طواف کرنے والوں کے لیے اور اقامت اختیار کرنے والے یعنی نماز پڑھنے والوں کے لیے، رکوع سجدہ کرنے والوں کے لیے. اور تیسری بات یہ کہ لوگوں میں بھی حج کا اعلان کر دیجئے. تو اس کے نتیجے میں لوگ دور دراز سے دبلی پتلی اونٹنیوں پر سفر کر کے آیا کرے، یعنی سفر کے آغاز پہ تو
अच्छी मोटी ताजी सेहतमंद ऊंटनियां लेकर आएंगे, लेकिन तवील सफर करने की वजह से वो बेतुल्ला तक पहुंचते पहुंचते दुबली और पतली हो जाएंगी, अल्लाह का सफर करके आएंगे। तो मतलब है कि तवील सफर की मशक्कत उठाकर लोग आया करेंगे, और आया क्यों करेंगे, लियशहदू मनाफिअ लहुम, ताकि अपने फायदे हासिल करने के लिए आया करें। फायदा नहीं फायदे, बहुत से फायदे। चुनांचे इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बेतुल्लाह की तामीर के बाद अबू कुबैस पहाड़ पर चढ़कर चारों तरफ अपना रुख करके लोगों में ऐलान कर दिया, और अल्लाह ताला ने मौजज़ाना तौर पे आपकी आवाज उस वक्त मौजूद हर आदमी के कान तक पहुंचा दी और आलम अरवाह में हर रूह तक पहुंचा दी। तो उस वक्त से ये सफर जारी व सारी है और ता कयामत इंशाअल्लाह जारी व सारी रहेंगे। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बितरतीब जिन आमाल को अफजल आमाल करार दिया है उनमें से तीसरा अमल हज मबरूर है, और जैसे मैंने अर्ज किया था कि ये जिहाद की एक किस्म है, इसलिए कि हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह नरल जिहाद अफ़ज़लुल अमल, कि आपके इरशादात से हमने ये बात समझी कि जिहाद ईमान के बाद सबसे अफजल अमल है, अफला नुजाहिद, तो क्या हम औरतें भी जिहाद न किया करें ताकि इस अफजल तरीन अमल का सवाब हासिल करें। तो पैगंबर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया लाकिन अफजल जिहाद हज मबरूर, लेकिन सबसे बेहतरीन जिहाद हज मबरूर नेकी वाला आज है। और एक रिवायत में लाकिन्ना के बजाय लकुन्ना है, लकुन्ना अफजल जिहाद हज मबरूर, कि तुम औरतों के लिए बेहतरीन जिहाद वो हज मबरूर है नेकी वाला आज। और एक रिवायत में कि जिहाद व कुन्ना, यानी तुम औरतों का जिहाद हज, तो वो मशक्कत जो दुश्मन से लड़ने में होती है वो औरतों के बर्दाश्त से बाहर है। तो उसके बाद दूसरा सबसे मशक्कत का काम, मेहनत का काम, वो हज है। पैगंबर करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का एक इरशादी गरामी है कि जिहाद कबीर व सगीर व मरआ हज, बड़े बुजुर्गों का जिहाद, बड़ी उम्र वालों का जिहाद, बच्चों का जिहाद, औरतों का जिहाद हज, यानी ये वो दुश्मन के सामने जाएं और लड़ें इनके बस की बात नहीं, उसके मुकाबले में हज कर लें तो बस ये जिहाद है। एक साहिब ने आपसे अर्ज किया था कि हुजूर इन्नी जबान लास्तकियो लिकाला दुख, बस मैं कमजोर दिल का आदमी हूं और मैं दुश्मन से मुलाकात नहीं कर सकता, उसका आमना सामना नहीं कर सकता, तो उसका मुतबादिल कोई अमल बताइए। तो आपने फरमाया कि क्या मैं तुझे ऐसा जिहाद न बताऊं कि जिसमें कांटा भी नहीं चुभता, यानी कोई जिस्मानी तकलीफ नहीं होती, और वो ये है कि हज उमरा किया कर, अगर तू वो काम नहीं कर सकता तो फिर मुतबादिल यही है। अली इब्न हुसैन इमाम ज़ैदुल आबिदीन रहिमहुल्लाह फरमाते हैं कि पैगंबर करीम अलैहिस्सलाम ने
किसी शायर के जवाब में यही फरमाया ताला दुल्लु काला जिहाद ला शौकत फी, क्या ऐसा जिहाद न बताऊं जिसमें कांटा तक भी नहीं चुभता। और फरमाया कि वो आज तो बहरहाल जैसे पहले अर्ज किया था कि जिहाद का ही एक हिस्सा है हज। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु जब मुजाहिदीन जिहाद के सफर से वापस आते तो उन मुजाहिदीन से कहा करते थे कि जब तुमने अपने ऊंटों से सफर जिहाद के कुजावे उतार दिए हैं तो अब तुम सफर हज के कुजावे कस लो, अपने ऊंटों पर जिहाद के कुजावे उतार दो अब सफर हज के। और फरमा के फैनो इहदल जिहादें, क्योंकि ये दो जिहादों में से एक जिहाद है, यानी हज भी दो जिहादों में से एक जिहाद है। तो बहर सूरत रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गरामी भी है कि हज मबरूर यानी ये जिहाद की एक किस्म है और जिहाद से मुत्तसिल दूसरा आला दर्जे का और ज्यादा सवाब का अमल है। अबू शासा रहिमहुल्लाह मुमताज आले इल्म में से हैं, फरमाते हैं कि मैंने अल्लाह की मुकर्रर करदा इबादात में गौर किया तो नमाज को ऐसा पाया कि उसमें जिस्म इस्तेमाल होता है, रोजे को भी ऐसा पाया कि उसमें सिर्फ जिस्म इस्तेमाल होता है और जकात में सिर्फ माल इस्तेमाल होता है, लेकिन हज में जिस्म और माल दोनों सरफ होते हैं। इससे मैंने अंदाजा लगाया कि यह सबसे अफजल है, क्योंकि जिहाद के बारे में भी अल्लाह कुरान फरमाते हैं जाहिद भी हम वालिकुम व अनफुसिक, अपने माल और जान दोनों के जरिए से जिहाद करो, तुम इसमें माल और जान दोनों सरफ होते हैं। अबू मूसा अशअरी रदियल्लाहु ताला अन्हु जलीलुल कदर सहाबी हैं, फरमाते हैं कि मुझसे किसी साहिब ने पूछा नफली हज के बारे में, तो फरमाया कि मैंने जवाब दिया कि हाजी अपने खानदान और घराने के 400 आदमियों की सिफारिश करेगा, क्योंकि सहाबी जो बात सवाब की बताए ना तो नबी करीम अलैहिस्सलाम से सुन के बताता है, क्योंकि अजर सवाब की बात कयास से और अपने ख्याल से नहीं की जा सकती कि किस अमल का कितना सवाब है जब तक कि अल्लाह का नबी न बताए। तो सहाबाए कराम अगर बाद आमाल का सवाब बताते हैं तो इसका मतलब यह है कि वो अगरचे ये बात ना कहें कि नबी करीम अलैहिस्सलाम ने यह फरमाया है, मगर वो बात हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमाई हुई होती है। वो आपने फरमाया कि हाजी अपने घराने के 400 आदमियों की सिफारिश करेगा, ये उसका कोटा। सुभान अल्लाह। जैसे हाफिज 10 आदमियों की सिफारिश करेगा, इसका कोटा। और फरमाया कि जिस ऊंटनी पर या ऊंट पे सफर करके गया है अल्लाह उस जानवर की 40 पुश्तों में बरकत भी डालते हैं, उस जानवर की 40 पुश्तों में बरकत डालते हैं। वो बड़ा मुबारक जानवर है जो इस मुसाफिर को हरम तक ले जाता है और हरम से फिर घर तक पहुंचाता है। किसी ने उनसे पूछा कि अबू मूसा मैं जिंदगी में बकसरत हज करता रहा यहां तक कि कब्र तो वाइफ हो, अब मेरी उम्र बहुत हो चुकी है और मेरी कुव्वत कमजोर हो चुकी है, अब मैं नहीं जा सकता। ये उस जमाने की बात है जब हज करना आसान बात नहीं थी और बड़ी मुशक्कत का काम था, दूर दराज से लोगों को आना होता था। तो फरमाया कई दफा गया हूं लेकिन अब मैं कमजोर हो गया, बूढ़ा हो गया हूं,
تو کیا حج کا متبادل اور کوئی عمل ہے جو وہ کیا کروں؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا، کیا تیرے بس میں یہ ہے، تیرے اختیار میں یہ ہے کہ تو سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی اولاد کے 70 مومن غلام آزاد کرے؟ یعنی ویسے بھی غلام کا آزاد کرنا بڑے اجر و ثواب کا کام ہے، اور پھر سیدنا ابراہیم یعنی اسماعیل علیہ السلام جو نبی کریم علیہ السلام کے جد امجد ہیں، گویا پیغمبر کریم علیہ السلام کے خاندان کے، اگر 70 مومن آدمی کسی کے غلام ہو جائے تو ان کا آزاد کرنا کئی درجے زیادہ ثواب رکھتا ہے کہ ایک نبی کی خاندان کے لوگ ہیں، پھر مومن تو 70 غلام تو آزاد کر سکتا ہے۔ مقصد کہنے کا یہ ہے کہ اگر تو حج نہیں کر سکتا تو 70 غلام اس کے قائم مقام ہو سکتے ہیں، لیکن یہ تو نفس حج کا ثواب کا متبادل ہے، فعین الحل والرحیل، لیکن منزل بمنزل جانا، منزل پہ اترنا، دوسری منزل پہ جانا، سفر کرنا، تھکنا، جی تو اس کا تو کوئی متبادل نہیں ہے۔ یعنی سفری مشقتوں میں جتنا ثواب ہے اس کا تو کوئی متبادل نہیں ہے، خالی کوئی حج ہی کر لے تو اس کا متبادل یہ ہو سکتا ہے۔ ایسے امام طاووس رحمہ اللہ ایک بہت بڑے محدث گزرے ہیں، تو ان سے بھی کسی نے یہی سوال کیا تھا، کیا حج کا متبادل یعنی نفلی حج کا، فرض کریں نفلی حج کا متبادل کوئی عمل ہے؟ تو انہوں نے یہی فرمایا کہ فعین الحل والرحیل والنسب والطاب والطواف بالبیت والنظر الیہ والصلاۃ عندہ والقیام فی العرفہ والجمع والمنا ورمی الجمرات الی آخر۔ تو انہوں نے کہا میاں تو حج کا متبادل پوچھتا ہے، نفس حج کو رہنے دے، اس سفر میں منزل بمنزل جانا، کہیں پڑاؤ کرنا، سٹاپ کرنا، کہیں پھر چلنا، اور اس میں مشقت، اس میں تھکاوٹ، اور پھر بیت اللہ تک پہنچ کر اس کا طواف، اس کا دیدار، حرم میں نماز پڑھنا، اور پھر منا عرفات کا قیام، رمی جمرات وغیرہ، ان سب چیزوں کا تو کوئی متبادل ہے ہی نہیں۔ خالی حج ایک چیز ہے، اور اس کے لیے یہ ساری مشقتیں اور تکالیف برداشت کرنا یہ ایک مستقل چیز ہے۔ تو اسی لیے آل علم اس بارے میں مختلف الخیال ہیں کہ کیا صدقہ کرنا پیسے کا افضل ہے یا نفلی حج میں پیسے کا لگانا افضل ہے؟ تو کچھ حضرات کا خیال تو یہی ہے کہ ویسے پیسہ صدقہ کرنا اس کے مقابلے میں نفلی حج زیادہ اجر کا موجب ہے، جیسے حضرت موسیٰ شری، حضرت امام طاووس، ان حضرات کا یہی خیال ہے۔ البتہ بعض آل علم کہتے ہیں کہ نفلی حج کے بجائے اس پیسے کو صدقہ کرنا افضل ہے، امام ابراہیم نخعی کا یہی خیال ہے۔ لیکن ایک تیسری جماعت آل علم کی یہ ہے، وہ فرماتے ہیں اگر کسی شخص کے عزیزوں میں سے، رشتہ داروں میں سے کوئی انتہائی درجے کا محتاج ہے یا وہ معذور ہے، مستحق امداد ہے، تب تو نفلی حج کے بجائے اس اپنے قریبی عزیز کی مدد کرنا افضل ہے، تب تو افضل ہے، اور اگر یہ بات نہیں تو پھر نفلی حج افضل ہے۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ایک مرتبہ اسی قسم کا سوال ہوا کہ صدقہ دوں افضل ہے یا نفلی حج کروں تو افضل ہے؟ تو پیغمبر کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا
कि भाई बेतुल्ला के सात चक्कर लगाने एक तवाफ, सात चक्कर लगाने जो एक तवाफ है, ये एक गुलाम आजाद करने के बराबर सवाब रखता है। एक तवाफ एक गुलाम आजाद करने के बराबर सवाब रखता है। और एक रिवायत में आपने इरशाद फरमाया कि सफर हज में माल खर्च करने का अजर व सवाब जिहाद में माल खर्च करने के अजर व सवाब के बराबर है। और ये बात आपको मालूम है कि जिहाद फी सबीलिल्लाह में माल खर्चने का अजर व सवाब आम सदके से कहीं ज्यादा है। आम सदकात की इब्तिदा तो 10 गुना से लगती है कि एक नेकी का बदला अल्लाह 10 गुना देते हैं, लेकिन जिहाद फी सबीलिल्लाह में एक नेकी 700 गुना से स्टार्ट होती है। यहां 10 से स्टार्ट होकर 700 गुना तक जाती है, वहां 700 गुना से नेकी स्टार्ट होती है और फिर कहां तक जाती है अल्लाह बेहतर जानते हैं। तो फरमाया कि यानी हज में खर्च करना जिहाद की तरह खर्च करना है कि एक दिरहम एक दीनार एक रुपया 700 रुपए का सवाब रखता है। तो और सूरत अल्लाह ताला के रस्ते में जो खर्च किया जाता है उसमें सबसे ज्यादा वो कीमती माल होता है जो या सफर जिहाद में खर्च किया जाए या सफर हज में खर्च किया जाए। रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी ने अपना एक ऊंट फी सबीलिल्लाह आजाद कर दिया, यानी फी सबीलिल्लाह नामजद कर दिया कि इससे अपना कोई काम नहीं लूंगा, ये फी सबीलिल्लाह है। और उस जमाने में फी सबीलिल्लाह का माना क्या होता था, यानी जिहाद के लिए किसी मुजाहिद को दूंगा, वो इस पे सफर करके जाए। अब तो उनकी बात नहीं है, इसलिए फी सबीलिल्लाह माना किसी नेकी के काम में सर्फ हो सकता है, लेकिन उस जमाने में फी सबीलिल्लाह का लफ्ज जिहाद पे बोला जाता था। अब उसने फी सबीलिल्लाह उसको वक्फ कर दिया कि जब भी कोई मुजाहिद जाएगा तो दे दूंगा। इसी असला में उस सहाबी की बीवी ने हज का इरादा कर लिया और हज के लिए उस बेचारी के पास सवारी नहीं थी और मियां अपना ऊंट फी सबीलिल्लाह वक्फ कर चुका था। तो रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उन्होंने आकर पूछा कि इस तरीके से हमारे पास एक ऊंट था जो मियाँ ने फी सबीलिल्लाह वक्फ किया और मैं हज के लिए जाना चाहती हूं, तो क्या उस ऊंट को इस्तेमाल कर सकती हूं? आपने फरमाया हां, हुज्जी आले उस पे सवार होके हज कर, क्योंकि ये सफर भी फी सबीलिल्लाह है, ये सफर भी फी सबीलिल्लाह है और तू इसको उस सफर में इस्तेमाल कर सकती है। तो कितना मुबारक सफर है ये, कितना मुबारक सफर है, कितना उम्दा सफर है कि जो फी सबीलिल्लाह सफर के कायम मकाम है। बासूरत रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गरामी है कि मा जज़ाउ हज्जिल मबरूर इल्लल जन्ना, अल्लाह ताला ने हज मबरूर का बदला जन्नत के सिवा कोई दूसरी चीज मुकर्रर ही नहीं किया। और दूसरी हदीस में फरमाया कि मन हज्जल बैत वलम यरफुस वलम यफसुख रजा का यौम वलद तुम, जिस शख्स ने हज किया और इस सफर में जुबान को भी गलत बात में इस्तेमाल नहीं किया, बाकी जिस्म को भी किसी गुनाह में मुलव्वस नहीं किया और वापस आया तो ऐसा आया जैसे कि आज पैदा हुआ, गुनाह भूल गए, गुनाह से पाक साफ हो गया। अब इन दोनों हदीसों में एक
में फरमाया कि हज मबरूर का बदला जन्नत के सिवा कुछ नहीं, और दूसरा ये कि जिसने सही हज किया उसके सारे गुनाह धुल गए। तो दोनों में शर्त हुजूर ने रखे कि वो हज मबरूर हो। और जैसे कि पहली हदीस जो कई जुमे से मैं जिक्र करता आ रहा हूं कि अफजलुल अमल में जो तीसरा अमल का उसमें भी फकत हज नहीं, हज मबरूर। तो हज के साथ मबरूर होने की शर्त है। इसी शर्त पे तो ये जन्नत का जरिया भी है और इसी शर्त पे ये मगफिरत का जरिया भी है। अब ये कि हज मबरूर कैसे होता है, तो हज मबरूर कैसे होता है? मबरूर का लफ्ज़ बिर से है। बिर कहते नेकी को, यानी मबरूर का माना नेकी वाला हज। ये नेकी वाला हज, गुनाहों से पाक, नेकियों से भरपूर। लफ्ज़े बिर के दो माने हैं। एक माना इसका तो है नेकी और किसी के साथ एहसान, अच्छा सलूक करना। खुद रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नेकी के बारे में पूछा गया कि बिर क्या है, तो आपने फरमाया अल बिर अल हुस्नुल खुल्क। बिर अच्छे अखलाक का नाम है, अच्छे बर्ताव का नाम है, एक दूसरे के साथ मामले में अच्छाई का नाम बिर। अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं बुनैया इन्नल बिर्र शेउन हैयिनुन वजुन तरीकुन वलिसानुन लैयिनुन, कि बेटा नेकी ज्यादा मुश्किल काम नहीं है, नेकी आसान है, बस वजुन तरीकुन जब दूसरे से मिलो तो खंदा पेशानी से मिलो, हंसते हंसते और खेले चेहरे के साथ मिलो, और जब किसी से बात करो तो नरम और मीठी जुबान में बात करो। ये देखिए, ये देखिए, पैगंबर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नेकी के बारे में यानी बिर के बारे में एक और सवाल किया गया था, यानी एक और इसकी तफसीर पूछी गई कि आपने जो ये फरमाया कि नेकी वाला हज इसका बदला जन्नत के सिवा कुछ नहीं, तो नेकी वाला हज क्या है? आपने फरमाया इत्तामुत्ताम इफ्शाउस्सलाम, और एक रिवायत में तीबुल कलाम, कि बस जिस हज के दौरान ये तीन काम हो जाए तो वो हज मबरूर होता है। इत्तामुत्ताम कि हस्बी इस्तेता हुज्जाज को, अपने रुफका को कुछ ना कुछ खिलाते रहो, खाना खिलाते रहो जितनी किसी के बस की बात है, और इफ्शाउ सलाम, इसमें तो बस वाली बात नहीं है, सलाम को खूब फैलाओ, हर मुसलमान को सलाम करो। दो, और तीसरे के तीबुल कलाम, जब किसी से गुफ्तगू करो तो इंतहाई नरम मिजाजी के साथ करो। जाहिर बात है कि ये वो काम हैं कि जिनकी हाजी को बड़ी जरूरत होती है, इसलिए कि वो मुख्तलिफ मिजाज के लोगों से उसका मिलना होता है, मुख्तलिफ मुल्कों से आए हुए लोग होते हैं, उनके साथ वास्ता पड़ता है, तो यहां ज़ब्त व तहम्मुल और फिर हर एक को सलाम करना, जैसे हमारी आदत है, हम तो जान पहचान वाले को सिर्फ सलाम करते हैं, और फरमाया इफ्शाउ सलाम, खूब फैलाओ, सब बंदगाने खुदा को सलाम का दुआ दो, सलाम की दुआ दो, सबसे मीठी जुबान में बात करो और हस्बे तौफीक उनको खिलाओ। खालिद बिन मादान रहिमहुल्ला मशहूर ताबीन में से हैं, फरमाते हैं कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि उस आदमी को बैतुल्ला जाने से क्या फायदा होगा जिसमें तीन सिफात नहीं। और इसी से मिलती जुलती बात अबू जाफर मोहम्मद अल बाकिर रहमतुल्लाह ने फरमाई है, इमाम ज़ैदुल आबिदीन के बेटे, इमाम जाफर सादिक के वालिद मोहम्मद अल बाकिर रहमतुल्लाह, दोनों बातों का हासिल यह है
कि जिस आदमी में तीन चीजें नहीं वो जाकर क्या करेगा, यानी मतलब है कि वो कुछ ज्यादा कमा के नहीं लाएगा, उसको चाहिए कि पहले अपने अंदर ये सिफात पैदा करे और फिर जाए। एक ऐसा तकवा जो उसको अल्लाह के हराम करने वाली चीजों से बचाए रखे, जिन चीजों से अल्लाह ने मना किया है, ऐसा तकवा अपने अंदर पहले पैदा कर दे कि अल्लाह की हराम करदा चीजों से वो तकवा उसको बचाए। पर दूसरी चीज है हिल्म, बुर्दबारी, तहम्मल, नरम मिजाजी, अपने मिजाज को इतना ठंडा करे और नरम बनाए कि गुस्सा उस पर गालिब ना आ जाए। जब कभी गुस्से का मौका आए तो उसका हिलम उसके गुस्से को दबाए रखे। दो बातें होगी और तीसरा ये कि अपने रुफका के साथ अच्छी मजलिस और उनके साथ अच्छा सुलूक करे, जो उसके रफीके सफर हैं तो उनके साथ उसका सुलूक उम्दा। तो जिसमें ये तीन खूबियां हैं वो तो जाए, वो तो दामन भर के आ जाएगा, पर बल्कि जिसमें ये तीन खूबियां नहीं या तीनों में से कोई नहीं तो वो फिर जाकर क्या करेगा, यानी जिस मकसद के लिए जाता है वो मकसद फिर पूरा न होगा। फर्ज तो अदा हो जाएगा लेकिन जो असल मकसद है ना, नेकियां समेटना, वो तो फिर नहीं होगा। तो एक तकवा जो गुनाहों से बचाए और दूसरा हिल्म, तहम्मल, बर्दबारी जो गुस्से को कंट्रोल में करे, और तीसरी अपने रुफका के साथ अच्छी मजलिस और उनकी खिदमत और उनके साथ अच्छे ताल्लुकात और हुस्न सुलूक का जज्बा। बहरहाल हम किस्म नेकी, ज्यादा से ज्यादा नेकी इस सफर में अगर की जाए तो इतने ही ज्यादा अच्छा फल मिलेगा। नेकी ऐसी बात है कि जिसकी कोई हद ही नहीं। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी जाबिर बिन सुलेम बिन जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने एक दफा रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नेकी के बारे में पूछा, यानी नेकियां क्या क्या हैं। तो रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको चंद नेकियां गिनकर बताई। फरमाया कि नेकी ये है, और पहले ये बताया कि देख किसी भी नेकी को मामूली समझ के मत छोड़, जो नेकी का काम कर सकता है और जिसका मौका आया है उसको कर गुजर। ये नहीं कि ये मामूली इसको नहीं करूंगा तो कोई बड़ी नेकी करूंगा। जो नेकी छोटी नेकी से मालूम होता है तो बड़ी की भी फिर तौफीक नहीं होती, और जो छोटी छोटी नेकियों की कदर करता है तो अल्लाह बड़ी नेकियों की भी तौफीक अता फरमाते हैं। तो फरमाया ला तहकिरन मिनल मारूफ शिया, ए जाबिर किसी भी नेकी को हकीर और मामूली समझ के छोड़ना मत। नेकी बहरहाल नेकी है और कोई नेकी मामूली नहीं। अगर के फिर आगे फरमाया अगर के किसी ने आपसे पानी मांगा, आपके बर्तन में पानी है और आपने उसके बर्तन में उसके गिलास में थोड़ा सा पानी डाल लिया तो ये भी नेकी है, नेकियों में से एक नेकी है। और ये भी एक नेकी है कि रस्ते चलते हुए रस्ते से कोई ऐसी चीज हटा दी जिससे चलने वालों को तकलीफ पहुंच सकती है, कोई छिलका था किनारे लगा दिया, कोई पत्थर था सरका दिया, कोई कांटा था हटा दिया ताकि कोई इसमें उलझ न जाए, फिसल न जाए, ये भी बहुत बड़ी नेकी है। और इरशाद फरमाया अगर कि कोई रस्सी का छोटा सा पीस तुझसे मांगे, फर्ज करें कि वो आपके काम में भी नहीं आ रहा, ऐसा मामूली है, किसी ने मांगा तो वो दे दे, ये भी नेकी है। और किसी के जूते का तस्मा टूट गया, ये भी एक मामूली सी चीज है लेकिन ये भी मामूली नहीं, मांगा हुआ तस्मा उसको दे दिया तो भी ये बड़ी नेकी है।
और फरमाया ये भी नेकी है कि और कुछ नहीं कर सका तो कम से कम मुस्कराते चेहरे से अपने मुसलमान भाई को मिल। इसमें तो कम से कम बुखल न करना, या तो कुछ लेना देना है ही नहीं, मुस्कुरा के मिलने तो लेन देन है ही नहीं, इसमें भी तो कम से कम बुखल न कर, ये भी बड़ी नेकी है। और ये कि अपने मुसलमान भाई से मिल तो उसको सलाम कर, ये भी बड़ी नेकी है। तो देखिए ये चंद एक ऐसी नेकियां हुजूर अलैहिस्सलाम ने जिक्र फरमाई जिनको शायद लोग नेकी न समझे, फरमा इनको भी मामूली मत समझो और इनको भी कर गुजरो। दरअसल बात यह है कि खैरुन नास मन यनफउन नास, लोगों में अच्छा वो है जो लोगों के लिए नफा बख्श साबित हो, जो दूसरों को फायदा पहुंचा सके किसी दर्जे में भी वो बेहतरीन आदमी है। अल्लाह ताला कुरान हकीम इरशाद फरमाते हैं الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين। ये बंदगान खुदा वो हैं जो हर हाल में अल्लाह की रजा के लिए कुछ न कुछ देते रहते हैं, चाहे खुशहाली का वक्त है चाहे बदहाली का वक्त है, बीमार हैं तंदुरुस्त हैं, पर कुछ ना कुछ रजाए इलाही के लिए देते रहते हैं। और काज़ी मिन अल-ग़ैज़ गुस्से को दबा कर रखते हैं, गुस्सा इस्तेमाल नहीं करते, वलाफीना लिन्नास और लोगों को मुआफ कर देते हैं, कोई मुआफी मांगे तो फौरन उसको मुआफ कर देते हैं। वल्लाह युहिब्बुल मुहसिनीन, अल्लाह भी नेकी करने वालों से प्यार करता है, अल्लाह को मुआफ करने वाले नेकी करने वाले महबूब होते हैं। तो हुज्जाज को इन नेकियों की बहुत बहुत जरूरत पड़ती है, गुस्सा दबाएं जी और किसी के साथ भलाई करें, किसी की थोड़ी सी मदद कर लें जी, तो इसकी बड़ी जरूरत पड़ती है। इसलिए फरमाया कि नेकी वाला हज यह है कि हर छोटी बड़ी नेकी जो है उसको इस सफर में करता ही रहे और दूसरों को फायदा पहुंचाता ही रहे, उनकी अज़ियतों और तकलीफों पे सब्र करता ही रहे, तो ये हज मबरूर होगा, ये नेकी वाला हज होगा। तो खैर नेकी वाले हज में से एक क्या बात हुई कि हुस्ने सुलूक, खंदा पेशानी, इन्फाक, सलाम का इफ़्शा, ये वो खूबियां हैं, अगर किसी ने इनको इख्तियार किया रखा तो उसका हज क्या होगा, इंदल्ला मबरूर होगा, जिस पे जन्नत का वादा है और जिससे गुनाहों की मगफरत का भी अल्लाह ताला ने वादा फरमाया है। और ये नहीं कि ये नेकियां कोई सिर्फ सफर हज के लिए हैं, बल्कि नेकी तो नेकी है, आप जिस वक्त जहां भी नेकी करेंगे उसकी अल्लाह ताला कदर अफजाई फरमाएंगे और उस पर अल्लाह ताला गरा कदर सवाब अता फरमाएंगे। नेकी तो और नेकी है। हमारे अकाबिर आले इल्म उनका तरीका इकार यही था कि वो इस किस्म की नेकियों की बड़ी कदर करते थे और इसको मौका मिलता तो गंवाते नहीं थे, खुसूसन खिदमत खल्क का काम ये बड़ा अजीम उल मर्तबत काम है। बल्कि आले इल्म कहते हैं कि नफली इबादत के मुकाबले में खिदमत खल्क ज्यादा वजनी अमल है, ज्यादा वजनी अमल है। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सफर में थे और उमर जमाने में सफर जिहाद के लिए होता था, सफर में थे और कई हजरात ने रोजा रखा हुआ था, नफली रोजा, गर्मी की शिद्दत, सफर की थकावट तकालीफ की वजह से बाद रोजेदारों की हालत नागुफ्ता भी होगी और वो खुद को संभाल न सके, गिरने लगे। तो जिन हजरात का रोजा नहीं था उन्होंने बढ़कर उनको सहारा दिया, उनके लिए खेमे लगाए
की, उनकी तीमारदारी की, खाना दिया, उनकी सवारियों को पानी पिलाया, क्योंकि वो तो खुद बिहार था। ये मंजर देख के खुद हुजूर भी सफर में थे, ये मंजर देख के रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि ज़हबल मुफ्तिरून अल अज्र, आज जिनका रोजा नहीं है सवाब में वो दूसरों से बाजी ले गए। जिनका रोजा नहीं है वो इन रोजेदारों से अज्र में इस बाजी ले गए, क्योंकि उनकी खिदमत की, उनके जानवरों की खिदमत की, तो खिदमत बुरी चीज है। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक इसी किस्म के सफर में देखा कि एक बूढ़े थे, उन्होंने रोजा रखा हुआ था और उनके साथ उनके दो बेटे भी सफर में शरीक थे। आपने पूछा कि बड़े मियाँ तुमने रोजा रखा है, सफर है, क्यों? तुमने कहा जी मेरे दो बेटे जो मेरे साथ ये सारी खिदमत मेरी अंजाम दे रहे हैं, मुझे सवारी पर सवार करते हैं, मुझे उससे उतारते हैं, तो मुझे क्या तकलीफ है? तो आपने फरमाया फिर सवाब में तो वो तुझसे बाजी ले गए, सवाब में तो वो तुझसे बाजी ले गए। तो देखा खिदमत खल्क के अमल को पैगंबर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नफली रोजे से, नफली इबादत से मुकद्दम करार दिया। इसी किस्म के एक सफर में जब रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम सफर थे, एक साहिब के बारे में सहाबा ने बड़े तारीफी कलिमात कहे कि जनाब फलाने की तो बात ही किया, जब सफर में होते हैं तो तिलावत किए जाते हैं, जब किसी मंजिल पे उतरते हैं तो जी नफली नमाज ही पढ़ते रहते हैं, कोई वक्त गवाते ही नहीं है, दौरान सफर तिलावत, सफर कहीं खत्म होता है तो नमाज। तो ये तारीफी करे बात सुने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, आपने फरमाया अच्छा ये बताओ कि पीछे घर में उनकी जायदाद की निगरानी कौन कर रहा है, यानी पीछे घर में जमीन, उनकी जमीनें हैं, उनके घर बार है, उसकी देखभाल कौन कर रहा है? तो साहब ने बताया कि फला साहब ये ड्यूटी वहां अंजाम दे रहे हैं, ये सफर में आए तो फला साहब के जिम्मे डाल के आए, वो करते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अच्छा यहां जब आप कहते हो कि ये कुछ भी नहीं करते तिलावत और नमाज के सिवा, तो इसकी सवारी को चारा कौन खिलाता है, इसके ऊंट को पानी कौन पिलाता है? तो साहब ने फरमाया हुजूर ये ड्यूटी तो हम देते हैं। फरमाया फिर वो जो पीछे इसकी जायदाद की निगरानी करता है और तुम जो इसके जानवर को चारा खिलाते पानी पिलाते हो, तुम बाजी ले गए इससे, ये तो तुम पर बोझ बना हुआ है। जैसे कि तो इसकी नफल नमाज ठीक है, इसकी तिलावत भी ठीक है, लेकिन तुम जो इसकी खिदमत कर रहे हो तभी तो ये काम कर रहा है। अगर तुम ये खिदमत छोड़ दो फिर देखे कितनी नमाजें पढ़ता है, फिर कितनी तिलावत करता है, इस काम के लिए तो तुमने इसको फारिग किया है, सो तुम बाजी ले गए। तो देखा आपने कि रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नफली इबादत के मुकाबले में खिदमत खल्क को तरजीह दे रहे हैं कि ये तरजीह ही काम है। यही वजह है कि हमारे अकाबिर आले इल्म हमेशा खिदमत खल्क के काम को खास तौर पे दौरान सफर अपने जिम्मे लिया करते थे। इमाम मुजाहिद बहुत बड़े मुफस्सिर हैं, अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु के शागिर्द भी हैं, अब्दुल्लाह इब्न उमर के भी शागिर्द हैं। तो इमाम मुजाहिद फरमाते हैं कि मैंने बारहा कोशिश की कि दौरान सफर अपने उस्ताद गरामी अब्दुल्ला बिन उमर की खिदमत करूं, लेकिन कभी उन्होंने मुझे मौका नहीं दिया, कभी उन्होंने मुझे मौका, बल्कि दौरान सफर वही ज्यादा खिदमत करते रहे। इब्राहिम बिन अधम रहमहुल्लाह का इसमें गरामी तो आपने सुना होगा, नहीं सुना होगा, किसी ने भी नहीं सुना, सारे इतने बड़े वली अल्लाह के गुजरे,
ये कभी ताजदार थे, हुक्मरान थे, बादशाह थे और असल जालिम और जाबिर किस्म के बादशाहों में से थे, बल्ख के हुक्मरान थे। खैर, अल्लाह की तौफीक से, अल्लाह ताला की तरफ से रानुमाई हुई तो इन्होंने हुकूमत छोड़ी और फकीर बन गए, अल्लाह वाले बन गए। बहुत बड़े किबारे औलियाए कराम में इनका नाम है इब्राहिम बिन अधम रहिमहुल्लाह। ये तो आपने शायद न सुना और न मैंने सुना है कि कोई फकीरी छोड़ के बादशाह बना हो, न मैंने सुना ना आपने सुना होगा, लेकिन ये तो तारीख में है कि बादशाही छोड़ के फकीर बने, बादशाही छोड़ के फकीर बने। उनमें इब्राहिम बिन अधम रहिमहुल्लाह जो मक्का मुकरमा में आसूदा ख्वाब है। तो खैर, उनका मामला ये होता था कि जब सफर करते और रफ़क़ाए सफर होते तो उनके साथ ये शर्त लगाते थे कि दौराने सफर खिदमत में करूंगा, अगर मुझे साथ ले जाना है तो खिदमत में करूंगा, नहीं तो मैं तुम्हारे साथ जाते ही। तो ये शर्त लगाते और फिर दौराने सफर जितने भी काम होते छोटे बड़े वो खुद अंजाम देते थे। अगर कोई दूसरा काम करते थे ये तो शर्त के खिलाफ है, शर्त जो मैंने लगाई। रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि सैयदुल कौम खादिम हूं, कौम का सरदार और रहनुमा दरअसल कौम का खादिम होता है, दरअसल खादिम होता है। जो कौम की खिदमत नहीं करता वो लीडर बनने के काबिल ही नहीं। अब तो लीडर इसलिए करते हैं ना ताकि मखदूम बने, कौम खादिम और हम मखदूम बने, वरना असल हकीकत यह है कि लीडर खादिम और कौम मखदूम होती है। इसी तरह हमारे अकाबर आले इल्म में से, आले तक्वा में से एक का वाकया है कि वो भी जब सफर में जाते तो शर्त लगाते थे कि मियां खिदमत में नहीं करनी है, ठीक है। फिर सफर में अगर कोई अपने कपड़े धोता तो छीन लेते कि ये ड्यूटी तो मेरी है, तुम क्यों धोते हो। यहां तक कि कोई अपना सर धोता तो फौरन पहुंच जाते कि ये सर धोने की खिदमत तो मैंने करनी है, ये पानी मैं डालूंगा, आपके सर को मैं मलूंगा। यानी हर छोटा बड़ा काम वो दौराने सफर अपने रुफका का अंजाम देते थे। यहां तक कि उस मर्द खुदा का इंतकाल हो गया, इसी खिदमत में इंतकाल हो गया। कहते हैं जब लोगों ने उनको गुस्ल दिया तो उनकी हथेली में लिखा हुआ था मिन अहलिल जन्ना, अल्लाह अकबर, ये साहिब जन्नती है। और ये नहीं कि कोई पेंसिल या पेन से लिखा हुआ था बल्कि खाल में खोदा हुआ था, जैसे ये लकीरें कुदरती बनी हुई ना, तो कुदरती तौर पे खाल के अंदर गोश के अंदर कुंदा हुआ था कि मिन अहल जन्ना, ये जन्नती है। तो भाई खिदमत खल कोई मामूली बात नहीं। अकाबिर आले इलम में से बहुत बड़े मुजाहिद, बहुत बड़े मुहद्दिस, बहुत बड़े फकीह, बड़ी खूबियों के मालिक इमाम अब्दुल्ला बिन मुबारक रहिमुल्ला, इमाम बुखारी के उस्ताद, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह के शागिर्द रशीद, अल्लाह ताला ने इनको बड़ी खूबियों से नवाजा था। इल्मी खूबी भी अता फरमाई और मादी दौलत, इल्मी दौलत भी दी और मादी दौलत भी अल्लाह ने इनको दी थी। यानी कोई गरीब नहीं थे, बहुत बड़े रईस थे, दौलतमंद थे, दौलतमंद बाप के बेटे थे। और इल्मी लिहाज से भी जैसा कि मैंने बताया कि हदीस में भी बड़ा मकाम, फिक्र में भी बड़ा मकाम और मुजाहिद फी सबीलिल्लाह जिहाद भी किया करते थे।
اتنی خوبیاں کم ہی لوگوں میں جمع ہوتی ہیں جو اس مرد خدا میں جمع ہوتی ہیں. یہ جب حج کے لیے آتے تو اعلان کرتے کہ میں نے حج کے لیے جانا ہے, تو میرے علاقے سے کوئی اور لوگ بھی جائیں گے, تو ظاہر بات ہے کہ ایسے عالم کے ساتھ ہر آدمی جانے کو کی تمنا رکھتا تھا, تو لوگ کہتے ہاں جی ہم بھی آپ کے ساتھ جائیں گے. تو یہ مرو کے رہنے والے تھے, تو مرو میں اعلان ہوتا کہ امام ابو عبداللہ امام عبداللہ بن مبارک جا رہے ہیں, تو سب لوگ کہتے ہم بھی جائیں گے. جب تیار ہو جاتے تو آپ فرماتے تھے اچھا سب لوگ اپنے خرچے کے پیسے میرے پاس جمع کرو, جتنا تم نے خرچ کرنا آنے جانے میں وہاں سارے کے سارے پیسے میرے پاس جمع کرو. ظاہر بات سب کر لیتے تھے, تو وہ ایک صندوق میں سب کے پیسے رکھ کے اس کو تالا لگا لیتے تھے اور صندوق گھر میں ہی رکھ دیتے تھے اور یہ چل جاتے تھے, قافلہ پورا چل, جتنے قافلے میں جتنے لوگ بھی ہوتے تھے پورے رستے میں امام صاحب رحمہ اللہ بہترین اس وقت جو کھانا ہو سکتا تھا وہ اپنے رفقا کو کھلاتے تھے پورے سفر. وہ تو آپ کو پتا کہ وہ سفر بھی اونٹوں یا گھوڑوں پہ ہوتا تھا, پتہ نہیں کتنے دن سفر میں لگتے تھے مرو سے لے کر بیت اللہ, پھر بیت اللہ سے مدینہ منورہ تک. تو دوران سفر آتے جاتے سارا خرچہ کرتے اور مزید برآں اپنے رفقا کو مکہ میں پہنچ کے کسی نے کو تحفہ تحائف لینا ہے تو کہتے یہاں لینا ہی فلاں فلاں چیزیں لینی ہیں, تو بازار لے جاتے جس کو جو جو چیزیں تحفے تحائف کی خریدنی ہوتی نا گفٹ, وہ سارے خرید کے ان کو دے دیتے تھے. جب واپس پہنچتے تو ایک اور پرتکلف دعوت اپنے ساتھیوں کی کرتے, جب سارے دعوت سے فارغ ہو جاتے تو پھر وہ صندوق منگواتے, بھائی صندوق لاؤ, صندوق لاتا اس کا تالا کھولتے اور جن جن کے پیسے ہوتے ہیں سارے ان کو واپس کر دیتے. وہ صاحب لے جاتے ہی نہیں تھے, لے جاتے ہی نہیں تھے کہ یہ لوگ اپنے اپنے پیسے لے. تو ایسے لوگ بھی دنیا میں گزرے ہیں اور یہ ہیں ہمارے مقتدا, یہ ہیں ہمارے پیشوا جن کی سیرتیں پڑھنی ہم نے چھوڑ دی, ان پہ عمل کرنا ہم نے چھوڑ دیا. یہ تھے جن پہ خدا کی رحمتیں برستی تھیں, اللہ کی نوازشیں ہوتی تھیں, یہ لوگ تھے ہمارے لیے اسوہ حسنہ. تو خیر عرض میں یہ کر رہا تھا کہ رفقا کے ساتھ عمدہ سلوک سے پیش آنا, ان کی خدمت بجا لینا, جتنی زیادہ اس سفر میں خدمت ہو سکے وہ کرنا, اس سے ہوتا ہے حج مبرور. اور جو حج ہوتا ہے مبرور تو وہی ذریعہ ہے جنت میں جانے کا اور وہی ذریعہ ہے مغفرت ذنوب کا. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو اور جملہ مسلمانوں کو یہ صفات اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ.